नमस्कार जी सभी को, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एटम्स विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पिछले जो लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने बड़ी डिटेल के अंदर बड़े छोटे छोटे माइन्यूट एस्पेक्ट्स को टच किया। हमने बोहर्स थ्योरी, रदरफोर्ड्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल से चलते हुए, वहाँ से चलते हुए हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, सिलेक्शन रूल्स, क्रिटिकल पोटेंशियल्स एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम। और जो पिछला लेक्चर था जिसके अंदर टोटल एंगुलर मोमेंटम की हमने बात की, वहाँ पर मैंने कहा कि जो इनकी एक्सप्रेशंस हैं ये कहाँ से आई, व्हाई डू वी यूज़ दीज फॉर्मूले, तो इनकी बातें हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज का जो ये लेक्चर है ये बीएससी स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, एज वेल एज ये प्लस टू क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। होता क्या है कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिस्कस द एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल और जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट एन एटम कैन बी कंसीडर्ड एज अ मैग्नेटिक डायपोल और हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट एटम इज अ मैग्नेटिक डायपोल और कैलकुलेट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। और ये भी कहा जा सकता है कि एक एटम जो है दैट कैन एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल, इन सारी चीज़ों को आपको प्रूव करना है। तो वेरियस फॉर्म्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज बोहर्स मैग्नेटॉन, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। प्लस टू स्टूडेंट्स के लिए बोहर मैग्नेटॉन तक का ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को आगे तक चलना होगा, उनका रास्ता लंबा है, सो लंबे लंबे रास्तों पे चलना है तुमको। तो देखिए, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि एटम मैग्नेटिक डायपोल मतलब नॉर्थ साउथ पोल बनते हैं एटम के अंदर। और मैं कहूँ कि प्लस टू के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, कि हर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म है, वो मैग्नेटिज्म क्यों होता है। तो देखिए क्या है, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो करंट इनटू एरिया होता है, कि अगर किसी रीजन में कहीं पर किसी स्पेस के अंदर करंट है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो हम कह देते हैं कि जी यहाँ पर एक मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी अ न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट्स। जैसा कि बोहर भाई साहब ने कहा कि न्यूक्लियस सेंटर पे है, वो सेंटर पे फिक्स होके बैठे हुए हैं और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन महाशय, वो उनके चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी बात की कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही टाइप की मोशन नहीं है उनकी। जैसे ये सेंटर पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस पाथ के अलोंग तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ ये अपने एक्सिस पर इस तरीके से रिवोल्यूशन भी हो रही है, तो कुछ इस तरीके की मोशन जो है वो इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे ये सेंटर पे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता हुआ इस तरीके से जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। सो आई मस्ट से दैट एन इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नंबर वन ऑर्बिटल मोशन या रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड नंबर टू स्पिन मोशन या रोटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। जैसे धरती घूमती है ना गोल 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 गोल, है ना, धरती घूमे चंदा घूमे, तो वो गोल गोल घूमती है जो धरती सूरज के अराउंड, सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो उसके पास भी दो टाइप की मोशन होती है। आपको पता है कि अराउंड इट्स ऑन एक्सिस जिसकी वजह से हमें पता है दिन रात बनते हैं एंड और अराउंड द सन जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सीजन्स चेंज होते हैं, तो वो जो बिल्कुल सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के पास भी दो टाइप की मोशंस हैं, अराउंड द न्यूक्लियस रेवोल्यूशन मोशन है और अपने ही एक्सिस पे उसके पास रोटेशनल मोशन भी है। और हमें पता है कि क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल मोशन है, एक फिक्स्ड मोशन है, चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब उसके साथ एक करंट एसोसिएटेड है, क्योंकि जब एक चार्ज रिवॉल्व करता है तो उसके साथ करंट, एक मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइज फ्लो ऑफ चार्ज कहीं पर हो रहा है तो आप कहते हैं कि करंट है, तो उस करंट के साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंट्स भी जो है वो ऑर्बिटल मोशन का अलग से होगा, स्पिन मोशन का अलग से होगा, फिर हमें उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। सो आई मस्ट से दैट ड्यू टू दीज टू मोशंस, बिकॉज ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, इलेक्ट्रॉन पजेसेस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायपोल मूवमेंट्स, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ स्पिन मोशन एंड टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, इन दोनों का हमें क्या करना होगा, सम कंबाइन करना होगा। अब है बात कि हमें अब इनको इंडिविजुअली भी डिस्कस करना है कि ऑर्बिटल मोशन जो है उसका ऑर्बिटल मूवमेंट रहेगा, तो इतना सा ये एग्जामिनेशन में यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपको अलग से हेडिंग देना है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, या मैं कहूँ कि बोहर मैग्नेटॉन जब आपको एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आपको किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना होता है। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं बोलती जाऊँगी, आप लोग नोट करते जाइए, सो हियर यू विल एक्सप्लेन
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, या मैं कहूँ कि बोहर्स मैग्नेटॉन का जब भी टॉपिक आ जाए तो आपको यही करना होता है. सो रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल मोशन. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसकी रेवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, उसकी ऑर्बिटल मोशन. सो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ चार्ज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एंड वी मस्ट से दैट करंट इज सैड टू बी एसोसिएटेड विद दिस पाथ, बिकॉज जैसे एक चार्ज कैरियर को ऑर्गेनाइज फ्लो में मूव करता है तो उसके साथ एक करंट एसोसिएटेड होता है. अब न्यूक्लियस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स एन करंट या अ करंट इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल मोशन. देयरफॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ करंट लूप विच गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक मूवमेंट कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एल वैक्टर. एल आपको पता है आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रॉन माना, उसके बाद आपको कंसिडरेशन ले लेनी है क्योंकि हमें इसकी एक्सप्रेशन भी डिराइव करनी है. सो यू विल कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड आई मस्ट से इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मूविंग विद वेलोसिटी वी, राइट. आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस मान लीजिए मानना है, वाई एक्सिस मान लीजिए, जेड एक्सिस मान लीजिए. तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, एंड करंट इज एसोसिएटेड विद दिस मोशन क्योंकि एक कांस्टेंट से रेडियस में वो मूव करी जा रहा है, उसकी कांस्टेंट सी मोशन है, ऑर्गेनाइज फ्लो है, एंड करंट एसोसिएटेड विद दिस करंट लूप आई. हमें पता है करंट का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन टाइम. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है वो चार्ज किसके इक्वल होता है, माइनस ई अपॉन टाइम. अब टाइम आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस टाइम टी कैन बी कैलकुलेटेड एज, हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब इलेक्ट्रॉन बेचारे को आपने यहाँ से चलाया यहाँ तक पहुँचाया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने यहाँ से चलकर यहाँ तक, कितना डिस्टेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस पाथ, सर्कमफेरेंस इज 2πr. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2πr एंड वेलोसिटी इज v. सो पुट दिस वैल्यू ऑफ t, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, सो पुट 2 इन 1. So you will get I is equal to minus EV upon 2πr. Let us suppose this is equation number 3. हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू मैग्नेटिक मूवमेंट की, और आपको पता है आपने पढ़ा हुआ है पहले कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज करंट इनटू एरिया. सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू एल इज गिवन बाय I इनटू A. तो वैल्यू पुट करवाइए I की, माइनस EV अपॉन 2πr इंटू ए एरिया वैक्टर. ए किसके इक्वल होगा, अब जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में तो एरिया वैक्टर जो है कहाँ चला जाएगा, ऑपोजिट. अब इस एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर आप इसको रेवोल्यूशन इस तरीके से मान रहे हैं तो इसका एरिया वैक्टर कहाँ पर आ जाएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा परपेंडिकुलर. और एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बिकॉज इट इज अ वैक्टर एक्टिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस. तो एरिया वैक्टर की आप यहाँ पर साइड पर लिख सकते हैं कि ए वैक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के कैप. मैंने इसकी वैल्यू पुट करवाई, सो दिस फ्रॉम दिस पाई ने पाई को निस्तनबूत किया, मार दिया, आर ने आर को भी मार दिया क्योंकि हमें पता है एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रहती हैं, यहाँ भी नहीं रहेंगी. सो म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई वी अपॉन टू आर के कैप. ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गई. अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूँ, एम से डिवाइड कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम चीज़ को आपने मैंने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मैंने माइनस ई अपॉन एम से डिवाइड किया, एम से मल्टीप्लाई किया, सो डजेंट मैटर. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टर्म एम वी आर के कैप, दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम एल वैक्टर. तो देखिए म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई एम एल वैक्टर. मैंने इसको वैक्टर नोटेशन में एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर लिया. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो अब देखिए म्यू एल वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ई बाय 2m इनटू एल वैक्टर. मेरे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ चुकी है. हियर दिस नेगेटिव साइन शोज यूज द ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू एल ये एल के ऑपोजिट रहेगा हमेशा. नाउ यूजुअली यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल फैक्टर आ जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला ऐसे ना लिख के म्यू एल वैक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एल, ये एल जो है पैर में लिखा हुआ है मैंने, फाइल पे नहीं है इसको, दिस इज सबस्क्रिप्ट, इस फॉर्म में हम लिखते हैं. दिस जी एल
is g factor of electron, orbital g factor of electron, and generally its value is 1. Basically ये g जो होता है ये degeneracy बताता है, कितने तरीके हैं उसके पास revolution के. अब अगर एक बार electron इस तरीके से revolve करने लग गया तो वो इसी तरीके से revolve करेगा. So orbital motion का तरीका उसके पास एक ही है. So gl की value कितनी हो गई, 1. This is called orbital g factor of electron. तो इसकी वैल्यू जनरली 1 होती है, इसलिए एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब बोहर्स मैग्नेट्रॉन की कहानी यहाँ से शुरू होने लग जाती है. कई बार एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज बोहर्स मैग्नेट्रॉन. तो मैं आपको बताऊं कि अभी कि उसको आपको कैसे लिखना है. पहले हम इसकी वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करें. सो बोहर्स मैग्नेट्रॉन, इसके बाद आप सब हेडिंग दे दीजिएगा एग्जामिनेशन के अंदर, बोहर्स मैग्नेट्रॉन. इसके लिए देखिए ये जो म्यू एल हमारे पास आया, अगर मैं इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, तो नेचुरली ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें भूलना पड़ेगा. ई अपॉन 2ml हमें लेना है ओनली मैग्नीट्यूड. यहाँ पर आप चाहे नेगेटिव लगा दीजिए, जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे सो यू विल राइट म्यू एल मैग्नीट्यूड. इट विल कम आउट इक्वल टू, अगर मैं जी एल को 1 पुट करवा देती हूँ तो ई बाय 2ml इसका भी मैग्नीट्यूड. अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस एल यू ऑलरेडी नो, ये होता है रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस. केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने. तो इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करवाऊंगी, सो दिस म्यू एल वैक्टर इट विल बिकम इक्वल टू ई बाय 2ml रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस. ये वैल्यू हमारे पास आ गई. अगर मैं जी एल को 1 नहीं भी मानती हूँ तो भी आप इसको एज सच साथ साथ चलाते जाइए, डजंट मैटर. तो ये हमारे पास आया म्यू एल का मैग्नीट्यूड. अब देखिए जो म्यू एल का मैग्नीट्यूड ये आ गया, तो मैं अब आपको इसके क्वांटाइजेशन अगर समझाने की कोशिश करूँ, सो लेट अस पुट, अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पर एल की वैल्यू मैं 0 पुट कर देती हूँ, फॉर एस स्टेट दिस एल विल बी 0. जी एल तो हमेशा 1 ही रहेगा. मैंने अभी आपको बताया था कि उसके पास एक ही तरीका इलेक्ट्रॉन के पास रिवॉल्व करने का, एल 0 जी एल 1. तो ये म्यू एल हो जाएगा 0. आई एम राइटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एल ओनली. और अगर मैं L की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करती हूँ, GL विल ऑलवेज बी 1. सो म्यू एल जो है वो क्या बन जाएगा, देखिए, इट विल बी रूट 2 ई एच क्रॉस बाय 2ml, रूट 2 ई एच क्रॉस बाय 2ml. अगर मैं L की वैल्यू 2 पुट करवाऊँ, GL विल अगेन बी रिमेन 1, तो हमारे पास आ जाएगा रूट 6, रूट म्यू एल विल बी रूट 6 ई एच क्रॉस बाय 2ml एंड सो ऑन. ये चला जा रहा है. अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, रूट 2 इंटू दिस टर्म, रूट 6 इंटू दिस सेम टर्म. ये जो सेम टर्म बार बार आ रही है, इसको मैंने कहा म्यू बी. लेट अस सपोज दिस ई एच क्रॉस बाय 2ml इज कॉल्ड म्यू बी, और इसी म्यू बी को हम क्या कहते हैं, बोहर्स मैग्नेट्रॉन. क्योंकि हम लोग जो इंसान है ना, हम आलसी नेचर के हैं, हमें एक ही चीज़ बार बार लिखना पसंद नहीं है. इंग्लिश के अंदर भी हम लोग राम ये करता है, सीता ये करती है, और उसके बाद हम कहते हैं कि ही शी यूज़ करना शुरू करते हैं, प्रोनाउंस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, दैट भी हमें बार बार उसी चीज़ को यूज़ ना करना पड़े, लेना ना पड़े. तो एग्जैक्टली सेम, बार बार मुझे ये फैक्टर ना लिखना पड़े, मैंने इसका एक शॉर्टकट सिंबल निकाल लिया और मैं इस म्यू एल को रूट 2 इंटू म्यू बी से एक्सप्रेस करवा दूंगी, इस म्यू एल को रूट 6 इंटू म्यू बी से. क्या मतलब है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की हर वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ दिस फिक्स्ड वैल्यू. इसको हम बोलते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन. और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए, व्हाट इज बोहर्स मैग्नेट्रॉन, सो यू विल से द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इज क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ बोहर्स मैग्नेट्रॉन, और इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. Or you can say the magnetic moment can take values in the multiples of Bohr's magnetron. और अगर आप, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे constants हैं, ये E H cross by 2ml जो है, E charge on electron, H cross हमें पता है H upon 2π है, Planck's quantum number upon 2π upon 2ml. जब आप ये सारे factors put करवाएंगे, इस E की value और ये सारे put करवाएंगे, you will get 9.27 into 10 raised to power -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. कई बार प्लस टू स्टूडेंट्स को इसकी वैल्यू भी पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बोहर्स मैग्नेट्रॉन. इन जनरल आई कैन राइट म्यू एल, अभी हमने एक्सप्रेस किया था, उस म्यू एल को मैं लिख सकती हूँ जी एल म्यू बी रूट एल इंटू एल प्लस 1. म्यू बी की फॉर्म में हमें लिखना है तो ये आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा. वैक्टर नोटेशन में अभी हमने लिख ही दिया. सो दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन.
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर ली है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू एंड एक्सप्रेशन फॉर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट. बिल्कुल सेम चलेगा, अब कहानी सेम चलेगी. प्लस टू के स्टूडेंट्स को इसको यहीं पर छोड़ देना होता है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए अभी रास्ता लंबा है. सो लेट अस डू दैट. तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन उसकी वजह से जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका भी कुछ इसी टाइप का फॉर्मूला निकल के सामने आएगा. सेम इसी स्ट्रैटेजी पे चलते हुए अब कहानी थोड़ी आसान है. स्टेप्स ज़्यादा हैं बट राह आसान है. सो चलते चलो, मंजिल ज़रूर मिलेगी, हम ज़रूर कामयाब होंगे. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की मोशन है. रेवोल्यूशन मोशन, जिसकी वजह से उसके पास करंट होता है, उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है. वो नॉर्थ साउथ पोल की तरह वो जो लूप है वो बिहेव करने लग जाता है, एक छोटी सी टाइनी सी मैग्नेट की तरह वो बिहेव करता है. एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिज्म उसके पास स्पिन मोशन की वजह से भी होता है. अब स्पिन इस तरीके से होती है, हमें पता है प्लस हाफ माइनस, आपको पता है कि दो तरीके हैं उसके पास स्पिन को एग्जीक्यूट करने के. तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आई एम गोइंग टू डिक्टेट एंड यू जस्ट प्लीज नोट डाउन. एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अबाउट एंड सॉरी इलेक्ट्रॉन मेकिंग रोटेशंस अराउंड इट्स ऑन एक्सिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग लूप एंड दिस करंट विल गिव राइज टू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट. और आई मे से द स्पिन स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन टू द करंट एंड इन टू द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इट्स मैथमेटिक्स इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ आई मे से द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर वी कैन गेट. देखिए अब स्पिन को आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक्सिस है, कुछ इस तरीके से मैंने इसकी मोशन जो है वो मतलब स्पिनिंग मोशन जो है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दी है. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग मोशन है वो डायग्रामेटिकली यू कैन रिप्रेजेंट. और जैसे हमने आप पहले म्यू एल की वैल्यू फाइंड आउट की थी, याद कीजिए, अभी बीते लम्हे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको बीते हुए, सो यू कैन रिमेंबर माइनस ई बाय टू एम एल वैक्टर. बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पहले आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन टू द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर वी गेट म्यू एस इज इक्वल टू माइनस ई बाई टू एम, जहाँ पर एल वैक्टर है वहाँ पर क्या आ जाएगा, एस वैक्टर. एंड एस इज नथिंग बट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एंड क्वांटम मैकेनिकली दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज म्यू एस इज इक्वल टू माइनस, वहां पर जी एल आया था यहां पर जी एस आ जाएगा एंड दिस विल बी ई बाय टू एम एस वैक्टर. वहां पर वो जी क्या था, ऑर्बिटल जी फैक्टर था, यहां पर ये हो जाएगा स्पिन जी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ये बताएगा कितने तरीके उसके पास स्पिनिंग मोशन के. और हमें पता है उस इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके हैं, वो इस तरीके से भी कर सकता है एंड इन दिस वे, मतलब क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज दोनों डायरेक्शन में रोटेशन करता हुआ आगे जा सकता है. आपको पता है प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों इक्वली प्रोबेबल स्पिन हैं, सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई एनी स्पिन स्टेट. इसलिए इस जी एस की वैल्यू क्या रहती है, टू रहती है. सो दिस जी एस is equal to 2, spin g factor for electron is always taken as 2. And in the units of Bohr's magneton, agar aapko isko express karna hai, to ye mu s jo hai, ye kaise likha jayega, this will be minus g s mu b h cut s, aapko iska lena hai, vector. मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो ये नहीं रहेगा, सो दिस इज एच क्रॉस एच. और अगर आपको इन मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना है, सो दिस इज वैक्टर नोटेशन और यहाँ पर आ जाएगी मैग्नीट्यूड फॉर्म, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले म्यू एल के लिए लिखी थी, एग्जैक्टली सेम हम इसके लिए लिखेंगे. सो माइनस जी एस म्यू बी और इस एस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट एस इंटू एस प्लस वन, एच क्रॉस को मार देगा. अब ये जो S है मैग्नीट्यूड तो इसका हाफ ही रहता है, हमें पता है इसकी वैल्यूज प्लस हाफ और माइनस हाफ दो ही होती हैं. अगर आपको इसका इसकी वैल्यू पुट करवानी है यहाँ पर, तो आप अगर इस S को हाफ यहाँ पर पुट करवा देते हैं तो आपके पास जो ये म्यू S आएगा यहाँ पर, दिस म्यू S, आप यहाँ पर इसको हाफ पुट करवाएंगे, सो दिस विल बी रूट थ्री बाई टू टू म्यू बी, म्यू बी से म्यू बी सॉरी टू से टू कैंसिल हो जाएंगे, निस्नाबूत कर देंगे एक दूसरे को, सो दिस विल बी रूट थ्री म्यू बी. और ये जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है ये किसके इक्वल हो गया, रूट थ्री इंटू म्यू बी, और रूट थ्री हमें पता है इट इज़ 1.732, ये हो गया म्यू बी. सो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.732 टाइम्स बोहर्स मैग्नेटोन. तो हमें बोहर्स मैग्नेटोन के फॉर्म में स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्रेस कर लिया है.
अब हमें क्या करना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है। अब ये दोनों मोशंस कंबाइन होंगी, वो उसके अंदर टांग अड़ाएगी, वो उसके अंदर टांग अड़ाएगी। अब टांग अड़ा के अल्टीमेटली क्या होगा, एक मोशन डिस्टर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पाथ के लांग जा रहा था। मैं आपको कहूँ कि आप ऐसे घूमो, रिंगा रिंगा रोजेज याद होगा आपको, ऐसे ऐसे करो, अब मैं कहूँ कि ऐसे ऐसे करो, तो इसका मतलब आप ज़्यादा स्पेस कवर करते हुए जा रहे हैं। आपके लेवल जो आपकी एग्जिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी है, वो रीजन बढ़ गया है। कहाँ तो आपको सिर्फ ऐसे ही चल के जाना था, अब कहाँ आप ऐसे 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 चल के जाएंगे, आप इस रीजन में से कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द कॉज ऑफ फाइन स्ट्रक्चर, कि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वहां पर उसकी एनर्जी हो सकती है। अब हमें लेना है टोटल, क्योंकि दोनों मोशंस एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर भी करेंगी। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट में भी कुछ कहानी ऐसी ही रहेगी, लेकिन ये जो जी फैक्टर है, ये जी फैक्टर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन हम इन सारी प्रॉब्लम्स, मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो कदम कदम बढ़ाए जा, फिजिक्स के गीत गाए जा, ये जिंदगी फिजिक्स है, इसी को तू चलाए जा। तो देखिए, अब हमें एक बात करनी है टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट में अब क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि एल माइनस एस क्यों लिख दिया, मैंने अभी बात की वैक्टर सम। वैक्टर सम का मतलब है कि आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए कि मेरा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एल इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट लेट अस सपोज इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड एंगल जो है, और मैं कहूँ कि टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जे विल बी द वेक्टर सम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, मैंने यहाँ पर मान लिया। अब ये जो जे एल, लेट अस सपोज दिस एल एंड एस, दीज आर मेकिंग एंगल्स थीटा वन एंड थीटा टू विद जे वेक्टर। एल ने मान लीजिए जे के साथ एंगल बनाया थीटा वन, रिलेशनशिप्स हैं इनके बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर जे और एस के बीच में जो एंगल है वो हमने माना थीटा टू। अब अगर टोटल जो है जे, वो एल और एस का मैग्नेट सम है, वेक्टर सम है मैग्नेटिक, इसी तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट भी वेक्टर सम रहेगा। सो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू जे, इट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एस। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलग से, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग से। अब क्योंकि ये मेरा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और मुझे कुछ कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। सो म्यू जे जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू एल। इसका अगर मैं इस डायरेक्शन में म्यू एल ले रही हूँ, इसका इस साइड कंपोनेंट कौन सा रहेगा, म्यू एल कॉस थीटा वन। सो दिस विल बी म्यू एल कॉस थीटा वन प्लस। इसी तरीके से अगर एस के अलॉन्ग म्यू एस यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इट विल बी म्यू एस कॉस थीटा टू। तो कंपोनेंट्स हमने इस तरीके से कंसीडर कर लिए। अब इस फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है, इक्वेशन नंबर हमारी चली गई थी 4-5 तक चली गई थी। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, आई थिंक 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे क्या करना है, सो यूजिंग दिस डायग्राम, दिस जे मुझे पता है ये जे किसके इक्वल है, एल प्लस एस के इक्वल। छोटा सा बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, यहाँ से एल किसके इक्वल हो जाएगा, जे वेक्टर माइनस एल वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो एस स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू जे एल कॉस ऑफ एंगल बिटवीन जे एंड एल इज कॉस थीटा वन। यहाँ से ये आ गया। अब मैं यहाँ से अगर कॉस थीटा वन की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, सो इट विल बी एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एंड आपको इसको इधर लेके जाना है, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बन जाएगा ये। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। सो दिस विल बी जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन टू जे एल। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के अंदर इनकी वैल्यूज को पुट कीजिए, दिस पुट। और जे स्क्वायर जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, या मैं कहूँ कि जे, इट इज जे इंटू जे प्लस वन रूट एच क्रॉस। इनके मैग्नीट्यूड्स हैं भैया, आपको पता है इनकी वैल्यूज। इसी तरीके से एल रूट एल इंटू एस एल प्लस वन एच क्रॉस। इसी तरीके से जो एस है, रूट एस इंटू एस प्लस वन एच क्रॉस। आपको पता है कि ये वैल्यूज इनकी रहती हैं, तो पुट दिस वैल्यूज एंड गेट टू वैल्यू फॉर कॉस थीटा वन।
तो cos थीटा 1 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, j स्क्वायर, मतलब आपको इसको पुट करना है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, j प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर प्लस l इंटू l प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर माइनस s इंटू s प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू j, मीन्स रूट j इंटू j प्लस 1 h क्रॉस l, रूट l इंटू h प्लस 1 h क्रॉस, ये h क्रॉस और ये h क्रॉस, ये क्या हो गया h क्रॉस स्क्वायर। तो ऊपर से भी h क्रॉस स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, एक नीचे पड़ा है, ये दोनों एक दूसरे को निस्तनबूत कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई है cos थीटा 1 की। सो प्रोसीडिंग एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर आई विल गेट द वैल्यू फॉर cos थीटा 2, और मुझे अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यूज को पुट करवाना है, इसलिए मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ सारा कुछ। इस एक्सप्रेशन को मैं लिखा रहने दूंगी बिकॉज आई विल नीड दिस एक्सप्रेशन। अब हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू cos थीटा 2 की। सो आई एम गोइंग टू कंसीडर, यही एक्सप्रेशन मैंने फिर से ली, यहाँ से l मेरे पास किसके इक्वल आ गया, j माइनस s के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे l स्क्वायर, वेक्टर नोटेशन प्लस 1 याद होगी सबको, माइनस 2 j s, j और s के बीच में एंगल है cos थीटा 2। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है cos थीटा 2 की। तो देखिए cos थीटा 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, j स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर 2 भी आएगा, सो दिस इज 2 जे एस, इसके इक्वल आ गया। नाउ अगेन पुट द वैल्यूज फॉर जे एस एंड एल, अभी जो यहाँ वैल्यूज लिखी थी उन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करवाइए और फिर से आपके पास सेम इसी टाइप की एक्सप्रेशन आ जाएगी। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ डायरेक्ट रिजल्ट, आप लोग भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो cos थीटा 2 यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन रूट जे इंटू जे प्लस 1 टू रूट एस इंटू एस प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं cos थीटा 1 और cos थीटा 2 की, एंड सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज इंटू दिस एक्सप्रेशन। लेकिन उससे पहले आप मान लीजिए ये 5 हो गई इक्वेशन, सपोज दिस इज 6 एंड दिस इज 7 इक्वेशन। अब इसके बाद आपको क्या करना है, म्यू एल और म्यू एस की वैल्यूज भी हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे म्यू बी cos थीटा 1 और cos थीटा 2 तो आपने निकाल लिए, म्यू एल और म्यू एस इनकी वैल्यूज भी निकालनी है, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। हमें पता है म्यू एल जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको कैलकुलेट किया था, इट वॉज इक्वल टू माइनस म्यू बी रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू जी एल, या मैं कहूँ कि फॉर जी एल इज इक्वल टू 1। एग्जैक्टली इन द सेम वे म्यू एस माइनस 2 म्यू बी रूट एस इंटू एस प्लस 1 फॉर जी एस इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों वैल्यूज और ये दोनों वैल्यूज इस एक्सप्रेशन के अंदर आप पुट करवाइए, 7, 8 एंड 9। पुट द एक्सप्रेशन 6, 7, 8, 9 इन एक्सप्रेशन नंबर 5। अब यहाँ पर पुट करा के उसके बाद थोड़ी सी मैनिपुलेशन के बाद वी आर डन विद इट। तो देखिए अब हमें इसको पुट करवाना है, मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोग पुट करवाइए फटाफट से, सॉल्व कीजिए इसको। म्यू जे इज इक्वल टू म्यू एल की वैल्यू, म्यू एल की वैल्यू हमें क्या पुट करवानी थी, माइनस म्यू बी रूट एल इंटू एल प्लस 1, ये पुट हो गई है। cos थीटा 1 ये बैठे हैं cos थीटा 1 भाई साहब, सो जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट जे इंटू जे प्लस 1 रूट एल इंटू एल प्लस 1 पुट हो गई वैल्यू। प्लस उसके बाद हमें करना है म्यू एस, और म्यू एस की वैल्यू भी नेगेटिव में थी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 म्यू बी रूट एस इंटू एस प्लस 1। अब यहाँ पर पुट करना है हमें cos थीटा 2, एंड cos थीटा 2 इज जे इंटू जे प्लस 1 प्लस s into s plus 1 minus l into l plus 1 2 root j into j plus 1 root s into s plus 1। उरी बाबा ये क्या हुआ। तो थोड़ी सी लंबी एक्सप्रेशन हो गई है, बट doesn't matter, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए
सो आई एम गोइंग टू इरेज दीज, क्योंकि अब हमने इनको सब्सटीट्यूट करवा लिया, सो वी डोंट नीड दिस दीज स्टेप्स. अब यहाँ पर देखिए, ये रूट एल इंटू एल प्लस वन ने रूट एल इंटू एल प्लस वन को मार दिया. कितना आसान हो गया. रूट एस इंटू एस प्लस वन ने रूट एस इंटू एस प्लस वन को मार दिया. कितना आसान हो गया. तो यहाँ से ये टू इस टू को भी मार देगा. तो देखिए आपके स्टेप्स कितने सिंपल हो गए हैं. अब क्या बचा आपके पास, सिर्फ बाहर म्यू भी बचा है, और यहाँ पर ये देखिए कॉमन एलसीएम लिया आपने, एंड यू विल बी डन विद इट. सो म्यू जे इज इक्वल टू माइनस म्यू बी. म्यू बी हमने कॉमन ले लिया. अब विद इन द ब्रैकेट हमारे पास एलसीएम जो आया, क्योंकि ऊपर टू जे इंटू जे प्लस वन रूट, बिकॉज दिस वन इज द एलसीएम. तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए. दिस इज जे इंटू जे प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई, अब आपको टू करना पड़ेगा यहाँ पर. सो टू इंटू जे इंटू जे प्लस वन प्लस, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करवा लिया है. नाउ वी डोंट नीड दिस, ताकि मेरी एक्सप्रेशन यहाँ पर लंबी चली जाए. टू प्लस टू इंटू एस टू एस इंटू एस प्लस वन माइनस टू एल इंटू एल प्लस वन, ये हो गया. अब मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ. बहुत सिंपल हो गया अब हमारा काम. नाउ देखिए, अब हमारे पास ये टर्म और ये टर्म पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगी. सो दिस विल बिकम म्यू जे इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थ्री जे इंटू जे प्लस वन. अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस एस इंटू एस प्लस वन ये बन गया हमारे पास. इसी तरीके से ये प्लस है, ये माइनस है, सो दिस विल बी माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई टू रूट जे इंटू जे प्लस वन. ये हमारे पास इसको सॉल्व करके वैल्यू आ गई है टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की. म्यू बी की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया है. अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जा सकते हैं, इन द मैं कहूँ कि वेल नॉन एक्सप्रेशंस की टर्म्स में आप लेकर जा सकते हैं. तो उसके लिए थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी. सो लेट अस डू दिस. मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय रूट जे इंटू जे प्लस वन. अगले स्टेप में ये जो राइट हैंड साइड है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया रूट जे इंटू जे प्लस वन से, और डिवाइड भी किया रूट जे इंटू जे प्लस वन से. ये रूट एंड ये रूट, हमें पता ही क्या बन जाएगा, जे इंटू जे प्लस वन. तो मेरे पास आया यहाँ पर, ये हो गया टू जे इंटू जे प्लस वन, और ये वाला जो रूट था मैं यहाँ पर इसके साथ लिख देती हूँ. सो दिस इज म्यू जे इज इक्वल टू माइनस म्यू बी रूट जे इंटू जे प्लस वन, ये एक्सप्रेशन आ गई है. अब मैं आपको फिर से पुरानी बातें, बीती बातें याद कराऊं, तो बीती बातें याद कीजिए. हमें पता है म्यू एल, जो म्यू एल अभी हमने कैलकुलेट किया था वो किसके इक्वल आया था, म्यू बी जी एल रूट एल इंटू एल प्लस वन. मैं और ज़्यादा प्रिसाइजली इसको ऐसे लिखूं, म्यू बी रूट एल इंटू एल प्लस वन जी एल, एग्जैक्टली सेम म्यू एस. आई एम गोइंग टू राइट मैग्नीट्यूड ओनली, मैं मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ सिर्फ. आप चाहें तो नेगेटिव साइन साथ में लगा सकते हैं. सो म्यू एस, यहाँ पर ये क्या था, म्यू बी रूट एस इंटू एस प्लस वन जी एस. इसी तरीके से म्यू एल और म्यू एस के पीछे पीछे चलते चलते, लगाना चाहते हैं नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, म्यू जे क्या होना चाहिए, माइनस म्यू बी रूट जे इंटू जे प्लस वन जी जे. जे फैक्टर, या मैं कहूँ कि जी फैक्टर किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए. एल फैक्टर था, एस फैक्टर था, ऑर्बिटल फैक्टर था, स्पिन फैक्टर था, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम का फैक्टर है. अब इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कीजिए, तो हमें समझ आ रहा है म्यू बी इंटू रूट जे इंटू जे प्लस वन, म्यू बी इंटू रूट जे इंटू जे प्लस वन. तो देखिए नेगेटिव भी आ गए, इसका मतलब ये जो टर्म बची हुई है विद इन द ब्रैकेट, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ जी जे. सो जी जे, जीजा जी नहीं है ये, जी जे है. दिस इज थ्री जे जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाय टू जे जे प्लस वन. वी कॉल इट लैंडेज जी फैक्टर, लैंडेज जी फैक्टर और स्प्लिटिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कुछ भी कह सकते हैं. आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको मैं कहूँ कि मेमोराइज करना थोड़ा आसान हो जाए. वैसे आपको चीज़ें मेमोराइज नहीं करनी चाहिए, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स. तो ये देखिए, ये जो जी है, दिस इज जी जे इज इक्वल टू थ्री जे इंटू जे प्लस वन
plus s into s plus 1 minus l into l plus 1 divided by 2j j plus 1। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर हम पहुंचे हैं। इसको आप और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस जी जे कैन बी रिटन एज 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2j j plus 1 and this is the simplified form of Landes G factor। इसको हम Landes G factor भी बोलते हैं, splitting factor भी बोलते हैं और simply G factor for electron भी बोलते हैं। and this is very important result and expression to explain the fine structure of hydrogen spectrum या atoms with one valence electron, क्यों levels की splitting होती है, क्यों spectral lines की splitting होती है and why cannot we produce absolute monochromatic source। तो ये सारा कुछ आपको समझने में ये help करेगा और ये सारी बातें हम करेंगे अपने अगले लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच।